हाय फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं गोविंदा के हिट और सुपर हिट मूवीज की, और इसी के साथ आपको बताएंगे कि कौन सी मूवी को हिट करार दिया गया और कौन सी मूवी को सुपर हिट और कौन सी मूवी का कितना रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और सबसे पहले हम बताते हैं कि कौन सी मूवी रही गोविंदा की हिट। तो सबसे पहले नाम आता है हॉलीडे का। तो हॉलीडे में गोविंदा ने एक कैमियो रोल किया था। कैमियो रोल के हिसाब से इस मूवी की कमाई भी बताई जाती है गोविंदा के नाम से। इस मूवी में गोविंदा ने कैमियो रोल करते हुए 112 करोड़ की कमाई की, जिसमें अक्षय कुमार भी साथ में दिखाई दिए थे लीड रोल में। अब इसके साथ एक और हम नाम आता है दूसरी मूवी का, जिसमें भागम भाग। भागम भाग में भी शायद आप लोगों ने देखी होगी, और उस मूवी में भी अक्षय कुमार साथ ही में दिखाई दिए थे गोविंदा के। तो गोविंदा की इस दूसरी मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को हिट करार दिया गया था और 40 करोड़ 37 लाख रुपए इसने कमाए थे। इस मूवी का बजट भी कम था, इसलिए इस मूवी को हिट करार दिया गया। अब इसके साथ एक और हम बात करते हैं जोड़ी नंबर वन। जोड़ी नंबर वन को 18 करोड़ 59 लाख की कमाई हुई थी और इस मूवी को भी हिट करार दिया गया था, क्योंकि उस टाइम में ऐसा होता था कि मूवीज में कम बजट होता था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठीक ठाक और अच्छा हो जाता था, इसलिए मूवी को हिट करार दिया जाता था। और इसी के साथ एक और मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो हसीना मान जाएगी। हसीना मान जाएगी में इन्होंने 15 करोड़ 2 लाख की कमाई की थी और इस मूवी को भी हिट करार दिया गया था। अब इसके साथ एक और मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बड़े मियां छोटे मियां अमिताभ बच्चन के साथ दिखाई दिए थे गोविंदा डबल रोल में। तो कैसी थी ये मूवी, ये आप हमें बता सकते हैं और इसका कलेक्शन भी जान लीजिए। इसका कलेक्शन तो था 19 करोड़ 19 लाख रुपए, और दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, दोनों की एक्टिंग अच्छी थी अमिताभ बच्चन और गोविंदा की। अगर उस मूवी को देखा जाए तो उस मूवी का कलेक्शन भी अच्छा खासा आया था, इसलिए मूवी को हिट करार दिया गया। और इसी के बाद दूल्हे राजा। दूल्हे राजा में भी कादर खान और गोविंदा की जोड़ी खूब जमी थी, दूल्हे राजा को भी हिट करार दिया गया और इस मूवी की कमाई सामने आई 12 करोड़ 74 लाख रुपए के लगभग। तो और इसके साथ अब हम बात करें दीवाना मस्ताना, एक और मूवी थी, इन मूवी को भी हिट करार दिया गया। हिट मूवी में से इस मूवी का कलेक्शन था 13 करोड़ 59 लाख रुपए। तो दोस्तों ये थी हिट मूवीज। अब हम आते हैं सुपर हिट मूवीज। सुपर हिट मूवीज में भी कमाई कम है आज के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से, क्योंकि उस मूवी में बजट इतना नहीं होता था। तो इन मूवीज में से सुपर हिट कौन सी थी, सबसे बड़ी आती है गोविंदा की राजा बाबू। राजा बाबू और शक्ति कपूर की जोड़ी कोई नहीं भूल सकता, उस मूवी को कभी भी आप देख सकते हैं, हंसी आ ही जाती है। तो देखते हैं अब इस मूवी का कलेक्शन। इस मूवी का कलेक्शन ने किया था 8 करोड़ 27 लाख या 8 करोड़ के लगभग की कमाई की थी इस मूवी ने, और इस मूवी को हिट करार दिया गया था। गोविंदा की जोड़ी को खूब सराहा गया था इस मूवी में। और इसके साथ कूली नंबर वन। कूली नंबर वन में भी एक बार कादर खान के साथ दिखे गोविंदा और इस मूवी ने भी मचा दिया धमाल। 12 करोड़ 56 लाख के लगभग की कमाई बताई जाती है, यानी 12 करोड़ की कमाई बताई जाती है इस मूवी की। तो इस मूवी से भी गोविंदा ने अच्छी खासी, इस मूवी को भी सुपरहिट कहा गया। और इसके साथ एक और साजन चले ससुराल। साजन चले ससुराल में 13 करोड़ 82 लाख के लगभग की कमाई बताई जाती है, यानी 13 करोड़ की कमाई बताई जाती है, और इस मूवी का बजट भी कम था, बहुत ही कम था, इसलिए इस मूवी को भी सुपरहिट करार दिया गया। अब इसके बाद एक और मूवी आती है पार्टनर। पार्टनर को भी सुपर हिट करार दिया गया था, सलमान खान के साथ बम मूवी थी, बहुत ही अच्छी मूवी थी, इस मूवी ने कमाए थे 60 करोड़ 4 लाख रुपए। तो दोस्तों गोविंदा के फैंस जरूर सब्सक्राइब करें, कि गोविंदा के और भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस और भी मूवी के कुछ भी अपडेट होता है या उनकी कम आने वाली मूवीज के बारे में सब कुछ मैं लेके आने वाला हूं। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए ये बॉलीवुड चलोगे में सब्सक्राइब का बटन दबाओ, और ये बताओ कि और कौन कौन से हीरोज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की या और कौन सी हिट हुई या सुपर हिट, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों बाय।